हेलो जी, कैसे हो सारे। मेरा नाम है सादिक पठान और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। वो क्वेश्चन टीसीएस एक्सप्लोर के टीसीएस एक्सप्लोर जावा हैंडसन के कोर्स में जावा इटरेशन हैंडसन 2 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? राइट द प्रोग्राम टू रीड द 5 नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ईच। हमें क्या करना है, यूजर से 5 नंबर्स लेने हैं प्रोग्राम में और उन 5 नंबर्स के फैक्टोरियल्स को निकालना है। तो आप देख सकते हैं 2 का फैक्टोरियल है 2 और 3 का फैक्टोरियल है 6 और 4 का फैक्टोरियल है 24, 5 का फैक्टोरियल है 120 और 6 का फैक्टोरियल आप देख सकते हैं 720 है। तो आपको शायद क्वेश्चन समझ में आ चुका हो, तो हम कोडिंग की तरफ चलते हैं। हमें क्या करना है, पहले स्कैनर को हमने यहाँ पे इंपोर्ट तो कर लिया है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में लिखेंगे सिस्टम सिस्टम डॉट इन। इस लाइन ऑफ कोड से क्या होगा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। उस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम यूजर की तरफ से इनपुट लेंगे। हमें यूजर की तरफ से 5 नंबर्स का इनपुट लेना है। मैं क्या करूंगा, मैं एक एरे क्रिएट करूंगा, उस एरे के अंदर यूजर से दिए हुए नंबर्स को स्टोर करूंगा और जो हमारा एरे होगा वो होगा 5 के साइज का, क्योंकि हमें 5 नंबर से इनपुट लेने हैं यूजर की तरफ से। मैं एरे क्रिएट करता हूँ इंटीजर ARR, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू इंट। यहाँ पे हम साइज देंगे 5। उसके बाद मैं और एक एरे क्रिएट करूंगा, मान लो कि हमारा ARR एरे है, उसके अंदर ये 5 नंबर्स हैं, तो मैं और एक एरे क्रिएट करूंगा किस लिए, इन नंबर्स के फैक्टोरियल्स को स्टोर करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, नया एरे क्रिएट करता हूँ इंटीजर ARR ऑफ ARR फॉर फैक्टोरियल्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू इंट, उसका भी साइज होगा 5, क्योंकि हमें 5 नंबर्स का फैक्टोरियल निकालना है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ARR जो है वो यूजर से लिए हुए नंबर्स को स्टोर करने के लिए है और ARR फॉर फैक्टोरियल्स का जो एरे है वो एरे इन नंबर्स के फैक्टोरियल्स को स्टोर करने के लिए। आई होप कि आपको ये दोनों एरेज का यूज आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा यूजर की तरफ से इन 5 नंबर्स को लेना इस प्रोग्राम के अंदर। तो मैं कैसे करूँगा उसको, मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा 5 टाइम्स, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 5, ठीक है, एक फॉर लूप 5 टाइम्स चलेगा। और इस फॉर लूप में हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर नंबर इज इक्वल्स टू SC.NextInt। SC.NextInt से क्या होगा, यूजर प्रोग्राम को इनपुट दे पाएगा जो कि स्टोर होगा नम में या न्यू एम इस वेरिएबल में। जब आई की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, यूजर 2 इनपुट देगा और वो नम के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब उस नम को हमें स्टोर करना है, ARR ऑफ आई में, मतलब आई की वैल्यू अब 0 है तो ARR ऑफ 0 में नम स्टोर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, जब आई की वैल्यू 0 होगी तो 2 स्टोर हो जाएगा ARR ऑफ 0 में और जब आई की वैल्यू 1 होगी तो 3 स्टोर हो जाएगा ARR ऑफ 1 में एंड सो ऑन। तो जब ऐसे 5 टाइम्स हो जाएगा ना तो 5 नंबर्स यूजर इनपुट दे पाएगा प्रोग्राम को और वो ARR के एरे में ये 5 नंबर स्टोर हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इन 5 नंबर्स जो ARR इस एरे के अंदर प्रेजेंट है उनका फैक्टोरियल निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं फैक्टोरियल्स को निकालूंगा, कैसे, मैं फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर आई आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 5। तो मैं क्या करूँगा, एक नया इंटीजर वेरिएबल लूंगा NUMMMM और उसमें क्या स्टोर करूँगा, ARR ऑफ आई, मतलब जब आई की वैल्यू जब 0 होगी तो ARR ऑफ 0 मतलब 2, ARR ऑफ 0 मतलब 2, अब 2 NUMM में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और मैं एक नया वेरिएबल लूंगा जिसका नाम होगा टेम, जिसका डेटा टाइप होगा इंटीजर,
उसको मैं इनिशियलाइज करूंगा 1 से, ठीक है। अब इस फॉर लूप के अंदर, कौन से फॉर लूप के अंदर, इस फॉर लूप के अंदर मैं दूसरा और एक फॉर लूप चलाऊंगा, वो किस लिए, फैक्टोरियल को फाइंड आउट करने के लिए। मैं डायरेक्टली फॉर आई लिखता हूँ, फॉर आई, हाँ तो यहाँ पे आई हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है तो यहाँ पे जे का यूज होगा। और मैं इस फॉर लूप को चलाऊंगा जीरो से नहीं, वन से इनिशियलाइज करूंगा, और उसको कहाँ तक चलेगा, लेस देन और इक्वल्स टू एन यू एम एम तक चलेगा। मतलब अब आई की वैल्यू अगर जीरो है तो नम के अंदर स्टोर होगा टू, तो जे की वैल्यू वन से लेके जे की वैल्यू टू तक चलेगा ये फॉर लूप, मतलब दो बार चलेगा। और हमें क्या करना है, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प इनटू जे करना है, ठीक है। इस लाइन से क्या होगा, अब ये जो जे का जो फॉर लूप है वो दो बार चलेगा, उससे क्या होगा, टेम्प में, टेम्प को हमने वन से इनिशियलाइज किया था और उसके बाद टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प इनटू जे, इससे क्या होगा, जब ये फॉर लूप दो बार चलेगा तो टेम्प के अंदर इस टू का फैक्टोरियल, इस टू का फैक्टोरियल स्टोर हो जाएगा टेम्प के अंदर। तो हमें बस क्या करना है, इस फॉर लूप को खत्म होते ही टेम्प को स्टोर करना है कहाँ पे, एरे ऑफ फैक्टोरियल में, एरर फॉर फैक्टोरियल के आई के पोजीशन पे, ठीक है। मतलब जब आई का वैल्यू जीरो होगा तो एरर फॉर फैक्टोरियल के, एरर फॉर फैक्टोरियल ऑफ जीरो में दो का फैक्टोरियल स्टोर हो जाएगा, और जब आई का वैल्यू वन होगा तो एरर फॉर फैक्टोरियल के वन के पोजीशन पे, उस वन इंडेक्स पे थ्री का फैक्टोरियल स्टोर हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो अब आई होप कि आपको ये फॉर लूप और नेस्टेड फॉर लूप का जो कोड है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं क्या करूँगा, अब बस उन फैक्टोरियल्स को प्रिंट करना है जो एरर फॉर फैक्टोरियल के एरे के अंदर प्रेजेंट है। मैं प्रिंट कैसे करूँगा, फॉर लूप से प्रिंट करूँगा। और आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन फाइव, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे बस मैं ऐसा आउट लिखूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और एरर फॉर फैक्टोरियल ऑफ आई, इसको प्रिंट करूंगा। तो दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, इस प्रोग्राम को जो मैंने लिखा है उसको रन करूंगा। रन करते ही मुझे क्या करना है, यहाँ पे फाइव नंबर्स को इनपुट देना है प्रोग्राम को, दो तीन चार पाँच और छः। जैसे ही मैं इन फाइव नंबर्स को इनपुट दूंगा, प्रोग्राम इन फाइव नंबर्स का फैक्टोरियल निकाल के हमारे सामने आउटपुट दे देगा। ये जो है हमारा आउटपुट है, टू का जो फैक्टोरियल है वो टू है, थ्री का जो फैक्टोरियल है वो सिक्स है, और फोर का जो फैक्टोरियल है वो 24 है, और फाइव का फैक्टोरियल है 120, और सिक्स का जो फैक्टोरियल है वो 720। सो आई होप कि ये जो वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, शेयर और सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है। तो गाइज, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।